टीवी सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में समृद्धि शुक्ला और शहजादा धामी की जोड़ी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस शो में दोनों अरमान और अभीरा बनकर घर घर में नाम कमा रहे हैं। इस शो में रूही बंद प्रतीक्षा होनमुखे को बेशक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन शो में उन्हें भी पसंद किया जा रहा है। इन सबके बीच अब फैंस अक्षरा और अभिमन्यु के बेटे अभीर को देखना चाहते हैं। बीते दिनों कहा गया था कि राज अनारकट अभीर बनकर शो में एंट्री करने वाले हैं, लेकिन अब मेकर्स इसमें बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं। शो में अभीर की एंट्री पहले ही हो चुकी है। सीरियल में मनीष गोयंका के एक सीन में अभीर का जिक्र किया गया था। एक शख्स अभीर बनकर गोयंका हाउस में घुस भी गया था। उन्हीं दिनों खबर आई थी कि राज अनाथकट को मेकर्स ने पहली बार अभीर के रूप में फाइनल कर लिया है, लेकिन मेकर्स ने राज की एंट्री पर रोक लगा दिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सीरियल में राज की एंट्री नहीं होने वाली है। मेकर्स शो में अभीर के कैरेक्टर में एक बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं। दावा है कि अभीर के बॉस देव दीक्षित ही असली अभीर बनने वाले हैं। शो में देव का किरदार विनीत रैना निभा रहे हैं। हालांकि मेकर्स इतनी जल्दी देव की सच्चाई को खोलने की प्लानिंग में नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी मेकर्स अभीर के कैरेक्टर को खींचना चाहते हैं और फिर कई धमाकों के साथ अक्षरा की बेटी अभीरा और अभीर दोनों की सच्चाई को खोला जाएगा। ये रिश्ता का कहलाता है कि जुड़ी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देव दीक्षित की सच्चाई उसकी मां के जरिए गोयंका हाउस तक पहुंचेगी। देव की मां सामने आएगी जो उसकी असली मां नहीं होगी। वह सबको बताएगी कि उसे देव बचपन में जख्मी हालत में मिला था और फिर उसने उस बच्चे का नाम देव रखा। ये सच्चाई जानकर गोयंका परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।